अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। वीजा ऑफिसर कुछ पढ़े या ना पढ़े, उसने आपके कवर लेटर का एक एक लफ्ज ध्यान से पढ़ना है। सो कवर लेटर कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा कि आपका दिल भी खुश हो जाएगा और वीजा ऑफिसर का भी दिल खुश हो जाएगा। टिप्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा वो ये होगा कि मैं अपना कवर लेटर आपके सामने रख दूंगा। Planning to visit Toronto city 2 years ago, but due to COVID-19 situation, I postponed my plan. No, I am very hopeful that my dream will come true regarding my return to Germany. I assure you that I will leave Canada exactly on 15th April 2022. और आप उस कवर लेटर को देख के अपना कवर लेटर बना सकते हैं। सो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो है टिप्स। नंबर वन ये है कि आपने हिडन ट्रैवल हिस्ट्री शो करनी है। ट्रैवल हिस्ट्री एक तो जो आपने स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में एग्जिट एंटर स्टैम्प्स और वीजा वगैरह लगा दिए वो तो आपके पास एक प्रूफ है, लेकिन जो सिटीज और जो कंट्रीज आपने विजिट की है और उसकी स्टैंप नहीं है आपके पास, फॉर एग्जांपल यूरोप के अंदर आप एक कंट्री में आ जाएं आपकी एंटर की स्टैंप लग जाएगी, बाद में आप घूमते रहे तो आपके सिटीज के और डिफरेंट कंट्रीज की स्टैंप तो नहीं लगेगी। अब उसका प्रूफ आपने कैसे देना है? सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने एल्बम बना के शेयर की हो या फोटोज अपनी शेयर की हो उस सिटीज की या उन कंट्रीज की जहां पे आपके पास एग्जिट एंटर की स्टैंप नहीं है, तो वो आपने लिंक जो है ना सोशल मीडिया के वो आपने कवर लेटर के ऊपर जो है ना वो पेस्ट कर देने हैं और ये बहुत अथेंटिक प्रूफ होगा। वीजा ऑफिसर आपके लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये फलां बंदा 2015 को पेरिस में था, 2017 को स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में था, बेल्जियम में था या किसी और कंट्री या शहर में था। तो एक तो ये हो गया, हिडन ट्रैवल हिस्ट्री आपने शो कर दी। दूसरी अहम चीज जो थी, आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो लिंक करनी है अपने जो है ना फेस्टिवल्स के साथ। फॉर एग्जांपल आप कनाडा जा रहे हैं, उधर आपने कोई फेस्टिवल अटेंड करना है। फॉर एग्जांपल मेरा एग्रीकल्चर मेरी फील्ड है, ये मेरी प्रोफाइल है, तो इस प्रोफाइल से रिलेटेड कनाडा में ट्यूलिप फेस्टिवल हो रहा है, फूलों का एक मेला लग रहा है, तो मैंने वो अटेंड करना है। तो आपने कवर लेटर में बताना है कि ये मैंने अपना, एक तो मैंने उधर की खूबसूरती देखनी है और दूसरा जो मेरी प्रोफाइल है मैंने अपना जो नॉलेज है उसको एनहेंस करने के लिए मैं वो फेस्टिवल भी अटेंड कर रहा हूं। इसको बोलते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो लिंक हो रही है फेस्टिवल्स के साथ। इस तरह आप अपने होम कंट्री में भी जहां से आप आ रहे हैं कनाडा की तरफ वहां पे भी आप कोई ना कोई फेस्टिवल उसकी जो है ना बता सकते हैं कि मैंने ये मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड है तो मैंने ये अटेंड करने आना। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और आपने ध्यान से देखना है कि मेरा कवर लेटर कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सप्लेनेशन लेटर, ये आपने डेट इधर लिख देनी है, टू दी वीजा ऑफिस कैनेडियन एम्बेसी जर्मनी, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर कैनेडियन टूरिस्ट वीजा। डियर सर मैडम, आई अलियास अली पासपोर्ट नंबर दिस एंड वुड लाइक टू ट्रैवल टू टोरंटो सिटी एज अ टूरिस्ट फ्रॉम 7th April to this date and therefore would like to obtain a Canadian tourist visa. It has always been my dream to visit and explore Toronto city because of its amazing infrastructure, beautiful landscape and rich culture. I would like to record memories of my visit on my social media IDs. तो यहाँ पे आपने लिंक्स दे देने हैं वो अपनी एल्बम्स और फोटोज पे, फोटोज के जो आपने सोशल मीडिया फेसबुक या दूसरे जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे आपने जो शेयर किए हैं। तो मैंने ये अपना यूट्यूब के लिंक्स दिए हैं। फ्रॉम माई एल्बम्स फोटोज यू कैन सी माई पैशन टू विजिट हिस्टोरिकल साइट्स एंड प्लेसेस क्लोजर टू नेचर। फॉलोइंग इज द शॉर्ट प्लान ऑफ माई ट्रिप विद अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट। डिटेल प्लान इज एट द एंड ऑफ दिस लेटर। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट प्लान देंगे। 7th April को मेरी फ्लाइट है फ्रैंकफर्ट से टोरंटो और ये इतनी कॉस्ट आएगी। और फिर मैंने 8 अप्रैल को मैंने रिप्लेस एक्वेरियम उसका विजिट करना है, उसकी कॉस्ट ये है। नियाग्रा फॉल की ये कॉस्ट है। टोरंटो वॉकिंग टूर गाइडेड टूर है ये, इसकी कॉस्ट ये है। ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये चीज़ मैंने कॉन्फिडेंशियल रखी है और इसकी कॉस्ट मेरी $30 आई थी। 12 अप्रैल को मैंने कैसेलोमा का सस्पेंड डीना म्यूजियम ये विजिट करना है, उसकी कॉस्ट ये है। मार्केट एंड चाइना टाउन ये फ्री, इसका जो है ना इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और 14th April को टोरंटो आइलैंड्स फेरी राइड है, इसकी कॉस्ट ये है। फिर टोरंटो से वापस मैंने फ्रैंकफर्ट आना है जर्मनी में और उसकी कॉस्ट ये है। होटल बुकिंग की $400 प्रेस्टो कार्ड जो उधर ट्रैवलिंग करनी है बसेस ट्रेन्स में और उसकी कॉस्ट ये है, वो मैंने प्रेस्टो कार्ड उधर से ले लेना है एयरपोर्ट से। $75 अप्रॉक्सिमेट टोटल अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट विदाउट फूड कॉस्ट इज दिस। करंटली आई एम डूइंग एमएस इन जर्मनी अलॉन्ग साइड स्टडी। आई एम वर्किंग एज वेल विद वेल रेप्यूटेड कंपनीज। दीज आर द नेम्स ऑफ द कंपनीज। My study allows me to work and in summer 2022 I will have enough free time for my visit of Canada. Both jobs are very flexible and my paid vacations are also remaining. So I have lot of free time in upcoming summer. Total balance in my bank account is from my salary. Salaries are from two companies, Amazon, previous employer and Takeaway. Funds available for my visit are these.
approximate value. I work for different companies in UAE from September 2013 till October this and traveled multiple times between UAE and Pakistan without any overstay. This is very important. And I have attached a proof, visas and exit entry stamps. I also traveled to Switzerland, France and Croatia in the past. Links of my album on social media are. So, yahan pe aapne wo links share kar dene. I was planning to visit Toronto City 2 years ago, but due to COVID-19 situation, I postponed my plan. No, I am very hopeful that my dream will come true regarding my return to Germany. I assure you that I will leave Canada exactly on 15th April 2022. So, यहाँ पे आपने अपने ties show करने हैं. To finish my studies and to resume my jobs in Germany. After finishing my study, I have to excel my professional career in Germany. To attend the Castle Garden Festival on 26th April इधर आएगा. तो ये आप actually यहाँ पे एक festival हो रहा है जर्मनी में. आपने अपने होम कंट्री में कोई फेस्टिवल जो है उसकी टिकट परचेज कर लेनी है, तो ये भी एक टाइज में आ जाएगा आपके. टू लुक आफ्टर माई व्हीकल इन जर्मनी, रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस अटैच्ड. टू लुक आफ्टर माई अपार्टमेंट इन जर्मनी. Regarding COVID-19, I want to inform you that I am fully vaccinated BioNTech Pfizer, including booster. During traveling and my host stay in Canada, I will follow our rules and regulations related to COVID-19 pandemic. Upon approval of my visa, I will purchase health insurance. ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं health insurance का. Both of my employers provide me corona testing kits, which I am using it every week. Before coming to Canada, I will make sure that I am in good health condition and have no symptoms of corona. I have attached following documents to support my visa application. Experience letter, salary receipts, working contracts, bank statement, bank transactions, sales preview, receipt of payment of house rent and car insurance, visa, exit entry stamps and passport, valid passport and photo, university enrollment certificate, university card, receipt of payment of semester fees, reservation of return flight, hotel booking, Niagara Falls day tour, Toronto walking tour, guided and the Castle Garden festival in Germany, corona vaccination certificate, 3 dosages, 2 dosages plus booster, UAE resident card, Pakistan national ID card, business card from employer, Gulf Drug LLC. This is my actually the previous company in Dubai. तो अब यहाँ पे हमने उनको डिटेल्स देनी है. 7 अप्रैल को मैंने कहाँ पे, ये मेरा डे वन होगा, मैं ट्रैवल करूंगा. आई विल लैंड एट टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराउंड 11:40 एंड देन आई विल परचेज अ प्रेस्टो कार्ड फ्रॉम वेंडिंग मशीन और यूपी एक्सप्रेस कस्टमर सर्विस काउंटर एट एयरपोर्ट एंड फ्रॉम देयर आई विल मूव टू क्लियरेंस पार्क वेयर आई ऑलरेडी रिजर्व्ड अ रूम फॉर माय एंटायर स्टे. ये आपने होटल का एड्रेस दे देना, नीचे आपने मैप दे देना. तो ये सारा आपको बताएगा कि आपने यहाँ से एयरपोर्ट से ये आपने यहाँ तक अपने होटल में पहुंचना कितना टाइम लगेगा, ये सारा मैप के अंदर आ रहा होगा. बिफोर स्लीपिंग आई विल डू ग्रोसरी फ्रॉम राबा फाइन फूड्स ग्रोसरी स्टोर विच इज ऑन वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई रेजिडेंस इन टोरंटो. ये हो गया पहला दिन. दूसरे दिन क्या करना है, मैंने विजिटिंग रिप्लेस ओकेरियम दिस टाइम टू दिस टाइम, इट इज ऑन वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई रेजिडेंस. ये आपने उसका मैप दे देना कि ये आपकी रेजिडेंस यहाँ पे है और ये यहाँ पे है जहाँ पे आपने जाना है, तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ये है. तो एट नाइट आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे इन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लोहोर्टिका हाउस एंड दैट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ माई ट्रिप. थर्ड डे को क्या करना है, 9 अप्रैल को विजिटिंग नियाग्रा फॉल्स डे टूर होगा फ्रॉम टोरंटो. आई विल विजिट डिफरेंट स्पॉट्स ऑन द वे टू नियाग्रा फॉल्स. वो कौन कौन से होंगे, फ्लोर ये फ्लोरल क्लॉक है, लिविंग वाटरवे, साइड चैपल, लेक व्यू, वाइन कंप, ये सारे जब मैं नियाग्रा फॉल्स का डे टूर है तो रस्ते में ये सारे स्पॉट्स आएंगे, तो ये यहाँ पे मैंने विजिट करना है. एंड डिपार्चर टाइम ये होगा, ड्यूरेशन ऑफ टूर 9 से 10 घंटे है. डिपार्चर टाइम ये डिपार्चर पॉइंट यहाँ से ये वो जो बस है वो लेके जाएगी टोरंटो से नियाग्रा फॉल्स. सो ये होगा थर्ड डे. डे फोर को क्या करना है, वॉकिंग डे टूर है, डिपार्चर टाइम ये, डिपार्चर पॉइंट ये, लोकेशन मैंने दी हुई है. जो मेन प्लेसेस टू विजिट है वो हॉकी हॉल ऑफ फेम, एलन लैम्बर्ट गैलेरिया, दी अंडरग्राउंड सिटी, ओल्ड सिटी हॉल, ये सारा डे टूर में आएगा. ये हो गया डे फोर. डे फाइव में क्या करना है, 11 अप्रैल को ये मैंने कॉन्फिडेंशियल रखी हुई है चीज़. ये आप अपनी कोई और भी अपना स्पॉट उधर ढूंढ के टोरंटो में या वैनकूवर में या कनाडा में जिस सिटी में भी आप जाना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं. डिपार्चर टाइम ये है, अराइवल टाइम ये है, डिपार्चर फ्रॉम यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी सारा आपने, और नीचे आपने मैप दे देना. अभी 12 अप्रैल को क्या होना है, आई विल लीव माय अकोमोडेशन एट 8 AM एंड आई विल रीच कैसलोमा कासल अराउंड 8:50 एंड विल मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ कासल टिल 2 PM. ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए इसकी डॉक्यूमेंट्री बनानी है. देन आई विल विजिट स्पेडिनिया म्यूजियम विच इज 1 मिनट अवे फ्रॉम दिस कासल. इस कासल से दूर 1 मिनट की वॉक पे स्पेडिनिया म्यूजियम है, वो मैंने विजिट करना. 7 डे को मैंने क्या करना, विजिटिंग कैनिंगस्टन मार्केट एंड चाइनाटाउन वेयर आई विल डू शॉपिंग एज वेल, बोथ प्लेसेस आर ऑन वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माय रेजिडेंस. तो ये मैंने मैप भी दे दिया. 8th डे टोरंटो आइलैंड्स फेरी राइड, आई विल स्पेंड ऑलमोस्ट द होल डे रिकॉर्ड स्कैनिंग व्यूज ऑफ टोरंटो आइलैंड्स लास्ट डे ऑफ माय विजिट. और 9th डे को मैंने क्या करना, फ्लाइट फ्रॉम टोरंटो टू फ्रैंकफर्ट. आईडी तो ये आईडी मतलब ट्रैवल कर लेना है, वापस आ जाना है फ्रैंकफर्ट, यानी कि जर्मनी अपने आप इंडिया का लिख दें, पाकिस्तान का लिख दें. सो एंड पे आपने क्या लिखना, आई डीपली अप्रिशिएट योर टाइम एंड कंसीडरेशन, फाइंड दी अटैच फाइल ऑफ कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 3 डोजेज, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी इफ यू हैव एनी क्वेरी, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू अप्रूव माई वीजा रिक्वेस्ट. तो इधर थैंक यू सिंसियरली, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाने हैं और नीचे आपका नाम, मोबाइल नंबर और नीचे आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें और एंड पे आपने कोरोना सर्टिफिकेट अटैच कर देना. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें और कमेंट करें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. अपना, अपने दोस्तों का और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.